हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुचिता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फलाहारी अप्पे, जो कि हम मोरधन और साबूदाने से बनाएंगे। मोरधन को भगर, समा के चावल, श्यामा चावल या उपवास वाले चावल के नाम से भी जाना जाता है। फलाहारी अप्पे एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है और ये बहुत ही स्पंजी बन के तैयार होते हैं। तो आइए हम आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज की ये रेसिपी नवरात्रि स्पेशल रेसिपी है। यहाँ मैंने एक कप मोरधन और आधा कप साबूदाना लिया है। मोरधन और साबूदाना दोनों को ही हम 3 से 4 बार साफ पानी आने तक धो लेते हैं और कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। और ये देखिए, लगभग 2 घंटे बाद साबूदाना और मोरधन अच्छे से फूल गए हैं। अब हम अच्छे से पानी निथार कर एक मिक्सी जार में पीस लेंगे। आप चाहे तो एक छलनी में डालकर अच्छे से पानी निथार लें। और ये देखिए, इस तरीके से हम अच्छे से पानी निथार कर लेंगे। मोरधन और साबूदाने को पीसने के लिए हम इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने से ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। और ये देखिए, मोरधन और साबूदाने का हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। फलाहारी अप्पे इतने अच्छे बन के तैयार होते हैं कि आप इन्हें बिना व्रत के भी बना के खाना चाहेंगे। और ये देखिए, मैंने सारा बैटर एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने आधा कप से थोड़े से कम दरदरे कुटे हुए मूंगफली के दाने, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया, 1 कद्दूकस किया हुआ खीरा। खीरा ऐड करने के पहले इसे टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये कई बार कड़वा निकलता है। सेंधा नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच जीरा लिया है। अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिला देते हैं। ये देखिए, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और ये बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल इसी तरीके का बैटर चाहिए हमें अप्पे बनाने के लिए। और अब हम इसमें से थोड़ा बैटर अलग कर लेंगे, क्योंकि हम उतने ही बैटर में बेकिंग सोडा डालेंगे जितने हमें अप्पे बनाने हैं। और ये देखिए, थोड़ा बैटर मैंने अलग कर दिया है। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम अप्पे बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए अप्पा मोल्ड। मोल्ड में थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से घी से अप्पे बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच की सहायता से बैटर डाल देते हैं। और गैस की फ्लेम को लो पर कर देते हैं। अब हम अप्पे को ढककर पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे। और ये देखिए, थोड़ी देर बाद अभी आइट साइड की अप्पे पूरी तरह से सिके नहीं हैं। अभी हम इनको थोड़ी देर और ढक के रख देते हैं। और ये देखिए, थोड़ी देर बाद अप्पे अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इनको पलटा देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा देते हैं, जिससे ये अप्पे दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाएंगे। अप्पे बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि थोड़ी थोड़ी देर में हमें चेक करते रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं। आप चाहें तो अप्पे के साथ में फलाहारी नारियल की चटनी भी बना सकते हैं।
और ये देखिए दोनों ही तरफ से अप्पे बहुत अच्छे से सिक गए हैं। अब हम अप्पे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जो अप्पे सिके नहीं हैं उनको हम बीच में रख देंगे, क्योंकि बीच में अप्पे जल्दी सिकते हैं और जो राइट साइड के अप्पे हैं उनको थोड़ा सिकने में टाइम लगता है। और ये देखिए फलाहारी अप्पे बनके तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी अप्पे बनके तैयार हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।